सात दिवसीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह पुलिस लाइन में किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी को प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक चला। यातायात प्रभारी दीपक साहू द्वारा लोगों को यातायात के नियमों को समझाने के लिए पूरे जिले में यातायात रथ के माध्यम से नियमों से अवगत कराया गया। वहीं सोमवार को इस पूरे कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने एनसीसी के बच्चों, स्कूली बच्चों एवं ऑटो चालकों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने एवं सुरक्षित परिवहन करने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों को मानना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्ष भर में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है और यह सब लोगों के अव्यवस्थित तरीके से वाहन चलाने की वजह से होता है। हमें चाहिए कि हम ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए इन वाहनों को चलाएं। जो रोड एक्सीडेंट का परसेंटेज है, मात्र पूरी दुनिया में 3% वाहन होने के बाद जो रोड एक्सीडेंट का परसेंटेज है वो 10% है। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट की खराब स्थिति है और इस रोड एक्सीडेंट में हमारे यहाँ लाखों लोग प्रतिवर्ष जो है अपनी जान गंवा देते हैं। ये ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग एक्सीडेंट का सामना करते हैं। पूरे देश में विभिन्न तरीके से सड़क दबंग न्यूज के लिए गुना से विजय ओझा की रिपोर्ट। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।